क्या बात, मेरा तो शेर मेरे दुश्मन के लिए है। जी, मुझे देख के क्यों आहें भरती हो, प्यार करती हो मगर लोगों से डरती हो। मैं तुमसे इसलिए मोहब्बत नहीं करता सबाहत, तुम मुझे झुकते बहुत करती हो। जब से आप लोगों का प्रोग्राम चला है तो पाकिस्तान के लाहौर के यहाँ का एक कल्चर हो गया, आपने नई यानी कि हंसी मजाक शुरू कर दिया आपने हर तरफ। नहीं, मगर आपके साथ भी पॉलिटिकल फ्रंट पे बहुत हंसी मजाक हो रहा है। ले, हर वक्त कभी आते हैं, कभी ले जाते हैं, फिर छोड़ जाते हैं, फिर कहते हैं अगले शहर निकल जाओ, फिर अगले शहर से फिर ले जाते हैं, फिर कहते हैं अगले शहर निकल जाओ। सर ये तो चलता रहता, सियासत का खेल है। सारे जिन्ना तेरे जलसे हैं राशन दा, तुसी छलियां बेचो, बहुत विघन तुहाडी। तू मेरे जा लाले का रेडी, तेन मना करन करदा। मगर मुझे बताएं शहबाज साहब, आपके चक्कर लग रहे हैं ये गुजरा वाले, कराची, क्वेटा? जी, तीनों जगह पे गया हूं। आप तीनों जगह पे गए, क्या किया वहां जाके? वहां जाके पार्टी के साथ गए, लोगों के साथ। पार्टी के साथ, पार्टी के साथ पार्टी की है, वहां पे खड़े हुए हैं, सॉलिडरिटी दिखाई है अपने कार्य के साथ खड़े हुए। मगर मुझे बताएं, वैसे कोरोना के दिन है तो कोई एहतियात करें आप, क्यों इस खतरे को मोल ले रहे हैं? सर एहतियात जो है वो हो रही है, लोगों को बता रहे हैं, जो लोग मास्क पहन रहे हैं। अगर आप हमें कह रहे हैं तो गवर्नमेंट को कहें जी। नहीं नहीं, मैं तो गवर्नमेंट को भी कहता हूँ, मैं तो आप लोगों को भी कहता हूँ कि आप सारे क्या कर रहे हैं इतने इन दिनों के अंदर, गवर्नमेंट वाले भी ऑपोजिशन वाले भी, दे मेले पे मेला, दे रश पे रश, और फिर आप कहते हैं कि जी कोरोना, तो फिर मेला एंजॉय करो बाकी गलत। मगर सर देखे, कोई आप सारे एक तरफ कह रहे होते कि जी कोरोना, वी हैव, सर कोरोना है, सब है, लोग कर रहे हैं एहतियात कर रहे हैं, लोग जितनी हो रही कर रहे हैं एहतियात कर रहे हैं। शहबाज भी आप जानते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का कन्वेंशन हो या फिर वो आप लोगों का जलसा हो, यू नो द पीपल ओवर देयर, कोई मास्क लोगों को कुछ भी नहीं है। कहते हैं जो लोग पहनते हैं वो पहन रहे हैं। सर आप खुद देखते हैं सर, यहाँ पे सारे इकट्ठे होके बदवा देंगे, एक दी लगती नहीं ना। जो मरीम साहब तकरीर करते हो तो फुल रश हुंदा, मौलाना साहब कले 5-7 बंदे ने लगे इधर रश हुंदा, कले नहीं हुंदा, तो कोटा जलसा नहीं देखे इतने की गुजरना लगी होया सी, वो कोई नहीं अपनी अपनी गड्डी च बह के सुन रहे हैं मौलाना सर कहने उधर फोकस ही कितने नहीं। वैसे ये मुझे बड़ा एक कंसर्न होता है, मैं आप लोगों को देखता हूँ, मैं हुकूमत वालों को देखता हूँ, और फिर मैं ये देखता हूँ इस तरह के गेट टुगेदर जो आप लोग रखते हैं। नहीं सर, आपकी तरफ से आप ये मीडिया से पता चल जाएगी, हम भी आपके कंसर्न बता देंगे सर। प्लीज सर ये देखें, दोनों को, चाहे वो हुकूमत है चाहे वो अपोजिशन है, ना करें ना इस वक्त, और अगर कर रहे हैं तो फिर हम लोगों को ना कहते फिर ना कि जी SOPs फॉलो करें, फ्लां करें, क्योंकि आप लोगों से भी SOP फॉलो नहीं हो रहे। आपका ख्याल है इस बारे में मैडम? सर पे कफन बांध के निकले ये लोग, इनको जवाब नहीं देना आ रहा। मतलब आपका ये है, हाँ SOPs फॉलो होनी चाहिए, लेकिन देखें अगर 1-to-1 अगर देखा जाए, अगर कोई नहीं पहनना चाह रहा तो लाठी लेके तो नहीं आप कर सकते। नहीं, मगर आपके ख्याल में पहनना चाहिए? बिल्कुल पहनना चाहिए, बिल्कुल पहनना चाहिए। तो अगर ये इस टाइम पे अवॉइड हो सकती हो बात, तो ये करनी चाहिए। इस वक्त अवॉइड हो सकती थी, इतनी ज्यादा इकोनॉमिकली जो आपके साथ चल रही है, जो क्राइसिस, तो वो कह रहे हैं कि हम वैसे भी मर रहे हैं, इस तरह से मरे, somehow you know you can't control this thing now। यानी कि बात ये आ गई है कि कोरोना से हम पहले ही मर रहे हैं, तो हम क्यों ना, तभी कोई डेडलाइन नहीं है कोरोना की, लाइक इट इज इन द वर्ल्ड नाउ, हियर इज टू स्टे। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि करें SOPs फॉलो, लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा तो ये फिर गवर्नमेंट लेवल का काम है, सिक्योरिटी का काम है। आप कह रहे हैं कि जलसा या कोई भी पॉलिटिकल एंगेजमेंट को अवॉइड किया जाए, ये ऑपोजिशन के लिए नहीं है, तो फिर तो आप पार्लियामेंट में भी ना जाएं, ये तो फिर पार्लियामेंट के अंदर एक कंट्रोल। देखिए जहां तक एक बात, जहां तक दिख रहा है ना कि जहां आपका पकड़े जाने का चांस है, सिर्फ वहीं तक SOPs है, उसके अलावा नोबडी इज फॉलोइंग एग्जैक्टली SOPs, तो कोई फॉलो नहीं कर रहा। पार्लियामेंट के ऊपर भी खैर बहुत डिबेट हुई है कि पार्लियामेंट सेशंस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बट स्टिल इट्स अ कंट्रोल एनवायरनमेंट, इट इज नॉट 30-40,000 पीपल इन वन स्टेडियम के वो आ गए हैं, और उसके बाद जो मतलब थोड़ा सा इरिस्पॉन्सिबिलिटी का सोशल डिस्टेंसिंग भी किया गया है, प्लांटिंग सब कुछ। मैं आपको सही कहूं कि थोड़ा बहुत नहीं, काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा है, लेकिन बस अभी थोड़ा सा ये मौके की नजाकत भी है आपको, सियासी मौके की नजाकत भी है। देखें वो कितना जबरदस्त समझती हैं, आपकी पहले मुलाकात है सभा से। पीडीएम से ताल्लुक इनका भी है सर, पीडीएम से ताल्लुक है इनका सर, पीपल्स पार्टी से, तो पीडीएम कैसा है ये आपको कैसे पता था सर? हमें आने से पहले बताया गया सर। अच्छा ये बात सुने, आने से पहले पता करने वाली आदत कब खत्म होगी आप? पहले नहीं पता होता बंदा कैसे पता किसके साथ आ रहे हैं, कौन गैस है, तो एक जवाब होना चाहिए। उन्होंने मारी है सियासत पे कि आने से पहले अगर आपको पता, क्यों आपने आदत रखी? आपको जवाब देना चाहिए था कि अगर नहीं। बात यहाँ पे आप लोगों को फर्क बताता हूँ एक्सपीरियंस और यंगस्टर के दरमियान, कि उनको समझ आ गई थी, उन्होंने इग्नोर कर दी बात, आपने पिन पॉइंट कर दी, ये बात की थी। चंगी भली सुलह रही, जुगड़ियां भी लड़ाई करा दी, उन्हें गालां भी कड़ियां।
सवाल जी कब खत्म होगा ये क्यों आपके साथ हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? क्यामत तक हमारी दुश्मनी बस ये कहते हैं कि प्यार नहीं बेइज्जती सही कुछ ना कुछ जो भी है आपने सुना हमने कहा कि जो भी है मैंने प्यार ही गलती समझ आई बोल रही है अच्छा बोल रही है सर प्यार वाली गल समझ आई आप भी देख रहे हैं टर्किश ड्रामास लोग टर्किश लैंग्वेज में देख रहे हैं जो भी बोल रही है अच्छा बोल रही है समझ आया नहीं इतना कॉन्फिडेंस आपके ऊपर किसी और को है कभी कि जो भी बोल रही है अच्छा बोल रही है सर मेरे ख्याल से या सिर्फ आपके वालिद साहब होंगे या ये होंगे प्यार जिते होंगे तो होंगे लड़ाइया ने इन्हों ने पता वालिद वाली गल मैं सुन ली आप नहीं पहुंच दिता यार पता नहीं क्यों आपको इतनी बार क्लियर भी कर चुकी हुई आप पता नहीं क्यों फिर अपनी बेइज्जती करवाते हैं आखिरकार इन्होंने हाँ करनी है भावे 100 साल की उम्र भी हो जाए मैं अस्पताल च दाखिल होना इन्हों के नकली दंद मतलब मेरे नकली होने के बावजूद भी एग्जिस्ट करेंगे इतने बड़े होने के बाद 100 साल बाद मैं अस्पताल ना ना श्रीवास्तव सोच रहे पीटीआई तो नून लीग एम ही बदनाम है या तो माहौल ही और बनाओ आप जानते थे कि इतनी माशाल्लाह प्रोएक्टिव हैं वो कि वो छोड़ती नहीं है अभी पता चला जनाब मगर वैसे आप अभी भी सियासी नजर रखे हुए हैं उतने ही सख्त किस्म की जैसे पहले रखती थी ये सवाल कि आपकी एज के अंदर तो लोग और बड़ा कुछ कर रहे होते हैं आप इतना कीनली क्यों इंटरेस्टेड हैं पीटीए को सपोर्ट कर रहे होते हैं मेरी एज पीटीए को सपोर्ट नहीं उसके लाल से आपका कैथारसिस और एनालिसिस बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए डजंट रियली मैटर कि आपकी क्या एज है मतलब एज शुडंट बी अ फैक्टर कि आप गलतियां करते हो ऑफ कोर्स इट इजंट बट व्हाट आई एम सेइंग इज जनरल ट्रेंड इज दैट usually you know and then people from your field actors models or they are either ignorant or not interested yeah. somehow and the majority but I don't think is so, ignorant interested ek alag baat hai ignorant hona ek alag baat hai ha to wo nahi hona chahiye insaan ko aur bada strongly aap apna opinion voice karti hain aap ye badi waise aapko rare cheez hi lagi kabhi aapne dekha itna strongly wo waise maine first time is field mein se kahe jaise ये देखे देखे को देखा सारे दलेर है ना तो 14 अगस्त मिलिंग भी कर लेंगे सर जिते खड़े हैं तकड़े खड़े हैं सर गल है दुश्मनी दुश्मनी भी तकड़े बंदे ना हाँ जी नहीं दुश्मनी तकड़े बंदे नाल नहीं है एमी अपने रेटा बताई जा शबाज साहब एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि चाहे हुकूमत हो ना हो अपोजिशन हो कितनी मुश्किल चल रही हो ये जो स्टाइल है आपका ये बिल्कुल आप मान नहीं पड़ने दे रहे उसको सर ड्रेसिंग अपनी है आपके उसके हुकूमत का या अपोजिशन का नहीं मगर कोई हालात होते हैं इंसान टेंस होता है बड़ा स्ट्रेस में होता है तो आप कहते हैं यार कौन तैयार हो सर यहाँ पर आते स्ट्रेस रिलीज करने ही आते आपके नहीं नहीं मगर ये मैंने वैसे भी देखा आपको माशाल्लाह ये जो आप निकालते हैं ना टारगेट कोई और है इस जुमले का क्यों कौन नरे नहीं मैं उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अफसोस की बात है सब बात इतना उन्होंने आज वो खास पेटी में से पीछे वाला जो सूट निकाल के ड्राई क्लीन करवाया आपने पेटी बिल्कुल आपने बिल्कुल कर दिया आप देखे तो सही ये लाचा कुर्ता कितने का होगा तकरीबन लाचा कुर्ता नहीं अगलों का सूट है आपने लाचा कुर्ता कर दिया सर वही तो दसन गए ना किन्ने का लोग तो समझ गए ना अभी क्यों आप बताए भाई तो वलीमे तो बनाया मतलब फिर तो पिछले साल नहीं मगर मुझे ये बताएं कि यू वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस यस एंड यू ऑलवेज बीन वेरी पर्टिकुलर अबाउट आई एम ऑलवेज ड्रेसिंग सेंस है नहीं सर सेंस तो होता है लेकिन उसको मेंटेन करना भी एक बड़ा शौक का काम होता है आप आराम से मेरे ख्याल से वो एक अरबपति बाप का रोल कर सकते हैं किसी पाकिस्तानी ड्रामे के अंदर माशाल्लाह तुसी ग्रेसफुल लग रहे हो देखो ना सबाहत किड्डी प्यारी है चिट्टा रंग है नशीलियां अखां ते करनियां जुगतां की जिंदगी है बहुत ठंडी चाहिए मगर इस बात आप मुझे बताएं मैं रॉन्ग कि ये कर नहीं सकते जी जी कि ये किसी ऑफिस के अंदर जबरदस्त से बैठे हुए हों और सीन चल रहा हो और वो कहें ये जो मैंने अरबों की स्टील मिल ली है ये अरबों को वापस कर 400 मिलियन डॉलर्स वो इंडियन ड्रामे में 400 मिलियन होता है हम बड़े रियलिस्टिक रखते हैं हम रियलिस्टिक करने की कोशिश करते हैं मुझे लगता है थोड़ा सा मगर आप ये तो माने कि ये कर सकते हैं इस तरह का रोल है ना आप अपनी स्क्रिप्ट में लिखे इनका कोई कैरेक्टर मैं तो अब लिख ही नहीं पा रहा हूँ मगर आप तो रेगुलर देखती रहती है और करती भी रहती है कराची के अंदर इस तरह के बड़े तो आपको क्या ख्याल है एक्चुअली ट्राई हिज हैंड इन दैट आजकल तो वैसे भी जनाब चुको काम दूसरे पास चलो नहीं सर हमें कोई अगर अगर गुड लुकिंग अच्छा वेल स्पोकन आदमी मिल जाए तो क्या हमें सर और बहुत टैलेंट पड़ा हुआ यहाँ पे एक्टिंग के लिए एक्टिंग ना मेरी फील्ड है ना मुझे पता है सर तो सर नहीं कुछ भी नहीं करना एक बंदे ने तुसी कहना कि 400 अरब दी मैं स्टील मिल ली अगले सीन दे विच ने आने आना तुहानू फड़ के लै जाना